First class. Paling valar first class. Paling ki. Paling ki tevsta. Сейчас вот для девочек, а красавчик для мальчиков. Ye sanu tag zarur kar di sham nu storyan pa ke. Raj Kapoor, Raj Kapoor. Hema Malini krasiva, krasiva. Hema Malini krasiva. दोस्तों स्वागत करते हैं नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच। मैं हाँ इस टाइम शिमकेंट कजाकिस्तान के तीजे वड्डे शहर। इस टाइम मैं आपके होस्टल में हाँ, काफ़ी खुला डुला होस्टल है। तो हूँ आप थोड़ा इतने एक इंडियन रेस्टोरेंट उत्थे चल देंगे। रात यार वैसे चौल खा ले सी आंटी को। आंटी ने साडे नाल स्कीम लाती वधिया सी, 1200 के चौल के 2400। असीं उन्हूं कहा कि सैलड नहीं खाना या सारा कुछ। आंटी ने 1200 का एक्स्ट्रा ला लिया थोड़े जे सैलड का। पता सीगा कि इदा चलो कोई नहीं लिया के रखता, कहिंदी खाओ खाओ बड़ा स्वाद है इदा, और एंड ते पैसे ला ले। चलो कोई नहीं इदा हुंदा ही आ, पर काफ़ी वधिया सीगा। आंटी का सुभाव भी बहुत वधिया सीगा। हुण आपां चलांगे ताजमहल, इत्थे एक इंडियन रेस्टोरेंट आ, उत्थे उत्थों चाह वगैरह पीने आ, देखदे आ खाना वगैरह का। पानी भर लिया बई। प्रीवियत प्रीवियत इतों एक 52 नंबर तो 56 नंबर शायद बस जाते, पर 52 नंबर है जी वो बेस्ट आ, क्योंकि वो 5 स्टॉप लेंदी आ सिटी सेंटर दे तक जाती है। शिमकेंट प्लाजा इतने एक उतों तक वो नेड़े ही ताजमहल रेस्टोरेंट आ, 100-200 मीटर की दूरी पर। ये करतोशका इमायसोनीयत कुर्ती सनीयत ना ना नीयत मिया सनीयत विगित्रियांस्की आले करतोशका स्कलका नहीं नहीं स्कोलका स्कोलका दा 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 आ 150 दिया करनी ट्राई एक। तो भी पिरोश्की आ रशिया दे विच मिलदी आ, रूस की पिरोश्की आ कजाक पिरोश्की पिरोश्की कजाक पिरोश्की दा दा दा। ए इदे विच भी आलू हुंदा, कई थावां ते छोटी हुंदी कई थावां ते वड्डी हुंदी आ। आप तो बूस तू शिमकेंट प्लाजा ओ बिलमेत शिमकेंट प्लाजा गाइस वरत रेफ्टो दंजरमी ये तो ऑटोबस। सो ये कह रहे हैं कि सानू पता नहीं है किदा ते बाकी आ पिरोश्की खाने पहले भाजी नूं दिंदे आ फिर थोड़ी थोड़ी खाने आ ते नाले थोनू दस दे। वैसे तुसीं पिछलियां किते वीडियो च देखिया तां पिरोश्की वधिया हुंदी आ, करतोशका पिरोश्की मतलब आलू दी एक पैटी कह लो तुसीं, या आलू दा एक पकौड़ा टाइप कह लो, आलू दा भटूरा कह लो, जो मर्जी कह लो। काफ़ी वधिया बई, स्वाद भी काफ़ी वधिया। बस स्टेशन इधर दस रही आंटी, बाकी मैप के हिसाब से चलेंगे क्योंकि उन्होंने भी पूरा पता नहीं सीगा। रोशकी खा लिए पहला। ये कुछ बाहर का नज़ारा भी देख सकते हो भाई, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 200 मीटर दूरी पर ही इतने एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप तो वैसे इतने भी है, पर इतने वाली जी बस है ये कितने होर ला दूगी, फिर उतो चेंज करके दो तीन बसा चेंज करना पेगा। जी 52 नंबर बस है इस होस्टल तो, होस्टल का नाम से बैरेके होस्टल है, सामने देख सकते हो बिल्डिंग सी वो पेट्रोल पंप के नाल, जे कोई आता है तो उसे रुक सकता है। सो बैरेके होस्टल तो 200 मीटर की दूरी पर इधरले पासे मुड़ के एक बस स्टॉप बनया हुआ। वैसे एक मैं थोड़ा दसूँगा, तुम जदों भी कितने आँदे हो थोड़ा जहा महंगा होस्टल भी जो थोड़ा मिले तो सिटी सेंटर के लिए ज़्यादा बैटर है कि थोड़ी खज्जल खुआरी घट जाती है, टैक्सी के बस के पंगे घट जाते हैं। पर यह इन्ना दूर तो नहीं सिटी सेंटर तो, पर यार ना 2-3 किलोमीटर के ही बहुत ज़्यादा बाहर न आ गया, तो करके रात को फिर इतों कुछ मिल भी नहीं रहा। आंटी दी शॉप बंद हो गई सी, नहीं तो पिरोश्की इतों मिल जानी सी, रात बड़ी लंबी पिरोश्की मिल जाती तो मज़ा ही सी यार। 150 दी किन्ने हो, 150 कुछ भी नहीं होए, 25 रुपये 25-26 रुपये 30 रुपये ला लो। असूं ब्रैथ 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 सिग्मा स्टॉप, वेयर इज सिग्मा स्टॉप, सिग्मा बस स्टॉप आफ्टर बस स्टॉप सिग्मा सिग्मा स्टॉप वेयर इज दा इज इज देयर वेयर इज बस स्टॉप। कोई वो भाई दस के गया कि क्रॉस कर लो, यंडक्स ने जो दिखाया यार उत्थे तां कोई बस स्टॉप है ही नहीं गा, और बस एक 56 नंबर लंघी है, पर वो कहना दूजी साइड की उधर की जाऊगी, जाना सी इधर ही आ, इत्थे कोई बस स्टॉप ही है नहीं गा जिथे उन्हें लोकेशन खत्म होगी, इधर जाणगियां शायद बसा, सिटी सेंटर इधर ही होगा। होर भी लोग काफ़ी खड़े हुए इत्थे, तो धुप बहुत ज़्यादा यार, बहुत ही नजायज, इन्ना नहीं सोचा सी कि इन्नी धुप इत्थे हो सकती है। आ गई बई 52 नंबर बस, यही है यही जाऊगी, इन्हू देने इतने पैसे देने, पुछने लोड़ ही नहीं, पैसे दे दो। शिमकेंट प्लाजा स्पष्ट सेवा, हाँ दे दो दे दो, 200 दे दो इन्हू भाई ने। उस 52 नंबर तो उतार के इस 52 नंबर च बहाता, बस चेंज कर ली, कोई प्रॉब्लम होगी लगता, ये जाऊगी हूँ। लो भी इत्थे आ गए हैं शिमकेंट प्लाजे का, ये बस स्टॉप है,
और ये नेड़े तेड़े ही होगा कितने, चलो लोकेशन देख लवा। वो सामने जड़ा है शिमकंड प्लाजा भाई, बस बदलाती सी भाई ने, पता नहीं क्यों यार कुछ सवारियां बैठी हुई सी, मिलना था जहाँ तो भाई दे लंच का टाइम हो गया होना, उन्हें कहता होना भाई मैं नहीं जाऊँगा हूँ यार। छोटी जी मार्केट ATM सी कुछ होर है, ATM नहीं है, सिर्फ छोटी जी मार्केट आ गई इतें ही है कितने, कोई इंडियन रेस्टोरेंट देखते हैं। ये आ गया ताजमहल रेस्टोरेंट, खुला हो बस हूँ, शायद खुला ही लगता कि नहीं। आ गए भाई इंडियन रेस्टोरेंट, यार प्राइस वगैरह इन्हें कुछ चीज़ों के तो बिल्कुल ही ठीक आ, मतलब इंडिया जिन्हें ही हो गए इदा रेस्टोरेंट इंडिया हो, तो इंडिया भी ज़्यादा होंगे। दाल तड़का कुछ 250 रुपए की आ, एक गार्लिक नान का रेट आ कुछ 50 रुपए, रोटी का रेट आ 20-22 रुपए, पर जी मसाला चाह आ रेट भी 250 रुपए आ। इंडियन रेस्टोरेंट तो खा लिया, इधर चल रहे, इधर ATM है एक खा लिया। मैं खाने की वीडियो यार बना नहीं हूँ, एक दो जेकर तुम मेरे देखिया तो भी थोड़ी डिमांड से मैं किया, क्योंकि ना यार मैनू पता नहीं क्यों शुरू तो चंगा जहाँ नहीं लगता कि इदा खाने की वीडियो दिखाते रहो, इदा लगता कि खाने का निरादर जहा हो रहा बेचारे का कि अगे प्यार ना, मैं तो भाई आँदा छेती छेती आपका खाओ तो आपका कम नबेड़ो, उस तो बाद जिन्या मर्जी गल्ला, पहला पेट पूजा फिर कम दूजा। सो इतने सारे ही यार रेस्टोरेंट आ छोटे छोटे, मतलब आउटलैट्स जे आ रेस्टोरेंट इदा बने हुए आ, लोग जब बहर बैठ के भी खा रहे यार। बट स्ट्रीट आ इतने मैं लगता शाम को कोई फंक्शन लगता, कोई एग्जीबिशन जी लगिया हुई दुकाना दुकाना जी, चलते हैं आप उधर एक ATM तो थोड़ा कैश कढ़वाना है, बाकी फिर बैठ के एक जगह पर आप कजाकिस्तान बारे कुछ खास गल् दसदा कि किमें यह देश अमरीका का हाफ है, जी हाँ अद्धा देश, और एक लैंडलॉक कंट्री की इन्नी स्ट्रोंग इकोनमी होना, क्योंकि काफ़ी चर्चा रही है इन चीज़ों की कि एक लैंडलॉक देश है जोड़ा वो भुखा मरद है जी, लैंडलॉक देश जोड़ा वो काफ़ी हद तक उन्हों दिक्कत आनी है, क्यों आनी है कि आनी है वो सारिया गलों बात आप बैठ के करा, पर सब तो पहला ATM चलते हैं जिन्होंने कहते हैं बैंको मार्थ, एक्सक्यूज मी देर इज़ ए बैंको मार्थ ATM स्पेसिवा वो कुड़ियाँ गल कर इंट्रस्टिड सी मेरे वाल देख रही सी कदों दी, मैं क्या चलो करते हैं, पर थोड़ा मैं पूछा बैंको मार्थ मतलब ATM नूं कहिंदे आ, वो कहिंदे मैनूं पता नहीं इत्थे नेड़े कित्थे आ, फिर हसन लग पईआं। सो इदां हुंदा आ, इह मैं तुहानूं पहलां वी दस्सिआ, सारियां सोवियत कंट्रीज़ दे विच लोक एक सरदार बंदे नाल आके गल जरूर करना चाहुंदे, उह दूरों देख रही सी बेचारियां। प्लाजा जिहड़ा देख रहा सामने इहदे नेड़े तेड़े आ सामने हैली बैंक आ, इहदे विच पक्का ATM होऊगा बैंको मार्थ, हाँ बैंक दे बाहर बणे होए आ, अंदर नहीं गए ATM, ओह नहीं ओह बैरिके सीगा, ATM दा रंग सेम भाई चलिया तो है, एक नाम की हैली बैंक और हैलिक बैंक आ, और इन्हें कोई चार्जेस भी नहीं ले, इन्हें लिखे आ गए कि असं नहीं चार्ज कर रहे थोड़े कार्ड तो, फी का कार्ड है मैं जो यूज़ कर रहा, ये कोई पेड प्रमोशन है तो दादा हाए 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 पैसे ही पैसे भाई, यार पैसे बड़े सोहने भाई इन्हों के, देखो झंडा बनया हुआ कजाकिस्तान का, मज़ा आ गया भाई, 50,000 कढ़ाया, 50,000 तकरीबन इंडिया का कुछ 10,000 के नेड़े तेड़े हो जाता, प्यारे नोट आ यार हूँ तक दे, मतलब मैं कई देशों जिन्हें च भी घूमया मैंने घाना के नोट बड़े वधिया लगे सके, एक सैरा लियोने के नवे नोट, पर यार कजाकिस्तान के कुछ ज़्यादा ही खास है ना, बड़े सोहने 10,000 का नोट भी जे मैं मिलता तो दिखाना, इन्हें तो कढ़िया नहीं 5,000 वाले कढ़े आ। ये आ गए जी आप शिमकंड प्लाजा के अंदर, काफ़ी वधिया बनया हुआ लम्मा चौड़ा वैसे काफ़ी भाई, असी थोड़ा प्लैन दे विच चेंज किया, इतने थोड़ी देर बाद आके थोड़ा जो उपर कि चलेंगे, पहला बाई ने दसाया कि बहुत सस्ती 200 टेंगे की, मतलब 40-50 रुपए की वधिया चाह मिलती है, सो मैं क्या पहला चाह पी के आने एनर्जी आ जाऊगी, वैसे मैंने थोड़ी खांसी सी मैं हमने कप सिरप ली है, चाह पी लेंगे तो थोड़ा होर वधिया आ जाऊ, ये चाह आई है तो चाह मतलब बिल्कुल ही इंडियन चाह वर्गी लग रही है, तो पी के देखते हैं किदा का नज़ारा। ओह मज़ा आ गया भाई बिल्कुल ही, मतलब चाह का जो टेस्ट है ना प्योर इंडियन है, सही है यार, कुछ महंगी भी नहीं है, सिर्फ 37-38 रुपए की चाह हुई है। ये आ गया शिमकंड प्लाजा की रोड है, इधर नू ये जा रहे हैं शिमकंड प्लाजा दा, सो ये जा रहे सी काकजावुत मामर खान नवदीप सिंह पंजाब इंडिया दा, पक्का पक्का अरबत स्ट्रीट पे बैठे सी, ये भाई बैठा सी, इन्होंने देखा व्हाट्स योर नेम, काकजावुत आमिर खान काकजावुत यरकन काकजावुत शस्मीना काकजावुत एलमीरा रोजा नवदीप सिंह पंजाब इंडिया। सो भाई ये बैठे सी, गल्ला बातें मार रहे सी, मैं भी इतने आ गया, मैंने उन्होंने इंस्टाग्राम वगैरह दिखाया, इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम लैके आपके आप सारिया ने फॉलो करता सो भाई गल्ला बातें मार रहे थे, मतलब एक सरदार बंदे देख के खुश हो जाते हैं अलग है ना,
और दूजे भी भाई बैठे थे, उन्होंने मैं दसा कि यार तेरे वाल देख के कुड़ी हंस रही है, तेन बुला रही है। मैं कहा चलो मैं चलना गलबात कर दा, इन्होंने गल्ला बातें मार रहे। यू स्टूडेंट? यस। विच क्लास? फर्स्ट क्लास। मालिंकी वाला फर्स्ट क्लास? मालिंकी मालिंकी देवस्का मालिंकी देवस्का मालिंकी देवस्का का मतलब ना छोटिया कुड़िया पहली क्लास च पढ़नी है, तो मैं लगता शायद पढ़ती होगी। यू स्टूडेंट? Which university? Three. Shimkant University. College? College. Same college? Yeah, Univer. 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 University? Yeah. I study in university. Chut-chut panimaiz ruski? Yeah. Ni balsho ni panimaiz. Как чуть-чуть понимаешь, чуть-чуть говорят. Да. Хотите вот. Порта ко галла бата хуния не яр. Идар. Идар ко маде. Со галла бата ко шоур хуния не, кюки яр. Деко умар умар да сав бунда. Ина ди умар ус сав ди. Ина идар не галла карта не. Ми ките ките ко мео, кеда ко мео. Сари галла бата чал рей. Хорошо. Very good. No, I'm a tourist here. Tourist? काफ़ी देर होगी गल्लां बातां मारदे नूं, होर भी गल्लां बातां मारियां। इन्हां भाई हरां ने भी बहुत सारे व्लॉग बनाए और इन्हां ने भी बहुत सारे व्लॉग बनाए, कि सानूं टैग जरूर कर दी शाम नूं स्टोरियां पा के। नोची नोची ओके। एक कुड़िया पता नहीं की गल कर रही है, थोड़ा मतलब इदा इन्हें टिकटॉक ते मैं वीडियो बनाई है। टिकटॉक स्टार? टिकटॉक स्टार। ओ इस तो कजाकिस्तान दी, कहंदी मैं टिकटॉक स्टार हां। फॉलोअर? फॉलोअर हाउ मच फॉलोअर? हां सर 50000। कब फॉलोअर? हां स्कूल का फॉलोअर? 30000। हां 30000। ओ फिश पैकेज। ये सब मत कर, ये टाइम ये तो बोल रहे हो 100k। Красиво, как красиво, как? Красиво для девочек, а красавчик для мальчиков. Девушка? Красавица. А, красивая девушка. Да, красавчик для мальчиков. А? ब्यूटीफुल कहने सिर्फ कुड़िया लिए कही था, मैं बाइया भी क्रासीवा कहता, वह कहने नहीं असि क्रासीवा नियत नियत क्रासीवा क्रासीवा देवुष्का देवुष्का मालिंकी जा रहे हैं सारे। ओके बाय 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 आमिर खान बाय बाय। सो इन्होंने काफी गल्लां बातें कीतियां भाई आपां, ते बैग बूग अपने पए आ, हुण उत्थे चलदे आ बहने आ ते थोड़े नाल होर भी गल्लां बातें मार भाई। ओ सारे मुंडे कुड़ियां चले गए, सो काफी वधिया सीगे देख के, उन्हां दा दिल कर रहा सी मेरे नाल गल करन नूं, पहला बैठे रहे दूर इदां हैलो हाय करदे रहे, फिर मैं कहा चलो चलदा ही आ, पहला शर्मा गए कि आ रहा, फिर इदां पुछण लग गईआं कुड़ियां कि तेरी किन्नी उम्र है, इदां इदां गलबात चली काफी देर, ऑफ कैमरा ते ऑन कैमरा दोनों गल्लां कीतियां, क्योंकि हमें अद्धा पौणा घंटा बैठा रहा मैं उन्हां कोल, सो सारी चीज़ तां रिकॉर्ड नहीं कीती जा सकदी, सो काफी वधिया गल्लां बातां होईआं। तो मैं गल कर रहा सी कजाकिस्तान बारे, कजाकिस्तान दे विच लाइफ स्टाइल अमेरिका का अद्धा है जेकर मैं कहां, हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं भाई अद्धा किदा, मैं तुम्हें एक सिंपल जी GDP का चीज़ समझा, एक होंगी परचेजिंग पावर GDP, एक होंगी नॉमिनल GDP। सो इंडिया की नॉमिनल जी $2500 पर कैपिटा है एवरेज सैलरी या एवरेज जी इनकम है इंडिया के लोगों की, पर अमरीका के $8000 जिनी, जे मान लो अमरीका कोई बंदा एक साल $8000 कमावे उन्नी जिंदगी जो सकते हैं, इत्थे दी पर कैपिटा इनकम $12000 है इंडिया तो लगभग 5 गुणा ज़्यादा, और ये लोग जिंदगी जो रहे हैं इत्थे जिहड़ा लाइफ स्टाइल है वो $30000 जिन्ना, मतलब अमेरिका की जो 60000 है तो उन्हां दी परचेजिंग पावर तो नॉमिनल भी 60000 है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को कंपेयर डॉलर च करते हैं अमेरिका नाल करते हैं, तां करके
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਤਾਂ $1,00,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੌਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਂਡਲੌਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸਨਸੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਸਿਉਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਂਗਾ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਿਉਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈਂਡਲੌਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸੋ ਲੈਂਡਲੌਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਲੌਕ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ 64 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਕੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਯਾ ਬ੍ਰਦਰ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਯਾ ਕੱਖ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਬੰਬੇ ਗੁਡ ਬੰਬੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬਸਕੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਖਰੋਸ਼ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੜਾ ਹੈਮਾ ਮਾਲਨੀ ਹੈਮਾ ਮਾਲਨੀ раньше то смотрели ихние времена вот этот Радж Капур которые были же они ихние Радж Капур Радж Капур ਹੈਮਾ ਮਾਲਨੀ ਕ੍ਰਸਿਵਾ ਕ੍ਰਸਿਵਾ ਹੈਮਾ ਮਾਲਨੀ ਕ੍ਰਸਿਵਾ ਹੈਮਾ ਮਾਲਨੀ ਸੋ ਭਾਈ ਕਕ ਜ਼ਾਵੁਤ ਕਕ ਜ਼ਾਵੁਤ ਅਬਦੁਲ ਗਫਰ ਕਕ ਜ਼ਾਵੁਤ ਗਾਉਂਜਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਦੇ ਫੈਨ ਅਤੇ ਜਿਮੀ ਜਿਮੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਫੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਐਕਸ ਸੋਵੀਅਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕੱਖ ਜ਼ਾਵੁਤ ਤੁਸੀਂ ਓਗਦਾ ਬਾਸਰ ਓਗਦਾ ਬਾਸਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਗੀਤਾ ਸੋ ਬਈ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੀਤਾ ਗੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਬਈ ਸਿਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਆ 6:25 ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ
ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਇਹ 6:25 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਈ ਹਰੀ ਆਇਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਆਇਆ ਕੱਖ ਜ਼ਾਵੂਤ ਬਰਾਤ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇ ਬਾਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆਇਆ ਚੁੱਪਾਨੀ ਮਾਈਸ ਸ਼ੇਰੀ ਕੱਖ ਜ਼ਾਵੂਤ ਅਲਮਹਨ ਓਕੇ ਦਵਾਈ ਮੈਟਸ ਸੇ ਬਾਈ ਖਿੱਚ ਰੇ ਫੋਟੋ ਯਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲ ਐਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਮਿਜ਼ ਐਲ ਐਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕੁਛ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ 50 ਮੀਟਰ 25 ਮੀਟਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਆਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੋਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 2006-7-8 ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖੈਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 7 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਵੀ ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖਿਡੂਣੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੇਡਣਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ 2-4 ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਲਿਖੀ ਆ ਰਹੇਗੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਵਦੀਪ ਬਰਾੜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸ਼ਿਮਕੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ